तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्रोटोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपको पता है कैग जो है मुगलों के किस पद का भारत में वारिस है, मौर्यों के किस पद का भारत में वारिस है? कैग। कैग जैसी संस्था की शुरुआत मौर्यों में हो गई थी, तुर्कों और मुगलों के समय भी था नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, क्योंकि हर राजा की टेंशन यही होती थी कि खजाने की गड़बड़ी से कैसे बचा जाए, खजाने को कैसे भरा जाए, वो खजाने की गड़बड़ी से कैसे बचा जाए, है ना। तो सारा बताऊंगा कैग के बारे में, कैग के बारे में बताऊंगा, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक उद्यम समिति के बारे में बताऊंगा, कैग का रोल क्या है वो बताऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बिना समय गंवाए मैं आपको बता दूं, पॉलिटी की क्लास 17वीं है, इसका अब चौथा पार्ट है, 3 पार्ट में बना चुका हूं, वो आप लोग देखिए आई बटन में ऊपर जा करके। इसमें मैं आपको बजट का प्रोसेस, संचित निधि, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, सारा कुछ मैं बजट का जो प्रोसेस है वो पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात कर रहे हैं बजट पर कंट्रोल की, ठीक है। अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए या स्टेट पीसीएस मेंस के लिए आप क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो ये पॉलिटिकली भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री जैसे आधुनिक भारत जैसे जो विषय हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली कैग पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साथ ही ये क्वेश्चन बनता है कि लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के तरीके, संसदीय नियंत्रण की विधियां, संसदीय नियंत्रण के अंग, उसमें कैग का इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, चलिए साहब। तो कैग, कॉम्प्रोटोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको शॉर्ट में आगे से हम कैग ही बोलेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मुगलों के समय में 2 अधिकारी होते थे, मुशरिफ और मुस्तौफी। मुशरिफ का काम होता था अकाउंट बनाना और खजाने की देखभाल करना। मुशरिफ का काम, मुशरिफ और मुस्तौफी, मुशरिफ का काम होता था खजाने की देखभाल करना, खजाने में जो लेन देन हो रहा उसका हिसाब किताब रखना, लेजर बनाना, अकाउंट रखना। और जो मुस्तौफी होता था, मुस्तौफी का काम होता था खजाने का ऑडिट करना। समझ रहे ना आप, ऑडिट, ऑडिट का मतलब कॉमर्स वाले जानते होंगे, ऑडिट का मतलब हिसाब किताब की जाँच। हिंदी में इसको कहते हैं ऑडिट को अंकेक्षण, इसे बताता ना ऑडिट, इसको मिटा दूँ। हिंदी में, इंग्लिश में ऑडिट और हिंदी में अंकेक्षण, है ना। तो ऑडिट करने वाले को कहते हैं ऑडिटर या अंकेक्षक। अब भारत में सबसे बड़ा जो ऑडिटर है या भारत सरकार का जो सबसे बड़ा ऑडिटर है वो है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग। ओके, तो मुशरिफ और मुस्तौफी की बात करी तो मुस्लिम राजाओं के समय में इसको कहा जाता था मुस्तौफी, और भारत में इस तरह का जो पद सबसे पहले बनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था 1857 में। यहाँ मैंने लिखा है 1857 ने सबसे पहले ये कैग जैसी संस्था बनाई थी और उसको इसने नाम दिया था ऑडिटर जनरल, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ओके, चलिए। और भारत में जो आज़ाद भारत में सबसे पहले जो कैग थे, ये सवाल कई बार आया, बी नरहरी राव, 1948 से 1954 तक ये अपने पद पर रहे। अब कैग की जो जानकारी है, संवैधानिक प्राधिकारी है ये, कई बार सवाल आता है कि इसमें से कौन सा संवैधानिक है और कौन सा नहीं है। योजना आयोग को खूब आता था, अब तो योजना खत्म हो गया, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। तो योजना के बारे में कौन सा आता था, इसमें से कौन सी संवैधानिक संस्थान है, तो उसमें लगा रहता था योजना आयोग, रट जाते। जब आप लगातार एग्जाम देते रहते हैं ना तो आपको क्वेश्चन छोड़ो ऑप्शनल में रट जाते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपीएससी में तो नहीं, स्टेट पीसीएस तक में क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, इसलिए हम आप बार बार कहते हैं कि पुराने क्वेश्चन आप जो है जरूर सॉल्व करें, याद करके जाएँ उनको। तो कहाँ थे हम, कहाँ थे भाई हम, कैग पे तो थे, लेकिन क्या बोल रहे थे हम, हाँ ये हम ये बोल रहे थे कि हम, ये संवैधानिक प्राधिकारी है, संविधान में इसका जिक्र है। अच्छा, कैग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है, और इसके काम के महत्व को देखते हुए हमने, हमारे संविधान ने पूरा ध्यान रखा है कि इसके काम स्पष्ट हों और इस पर किसी तरह की कोई बंदिश ना हो, ये स्वतंत्र हो, इस पर किसी तरह की कोई बंदिश ना हो, ये स्वतंत्र हो। आप देखना, अगर मैं इसमें नहीं आ रहा हूँ तो इसको थोड़ा डाउन कर देना कैमरा को, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो कैग पर किसी तरह का कोई दबाव ना हो, कोई बंदिश ना हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर वो पूरी तरह से आज़ाद हो, स्वतंत्र हो अपने काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका काम जो है खजाने का हिसाब किताब की जांच करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, है ना भाई। प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वित्तीय तो है, वित्तीय तो उसका आधार है, फाइनेंस, बजट, पैसा। पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है ना, पैसे के बिना है कुछ, कुछ भी नहीं है ना, पहले था ना अब है ना बाद में होगा, है ना। ओके, चलें।
नए नए आविष्कार होते हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, हम और कमाने के लिए प्रेरित होते हैं, है ना भाई। बिजली आई तो बिजली का बिल भरना है, तो पैसा देना कहाँ से आएगा, अब मोबाइल आ गया, हर महीने रिचार्ज कराना कहाँ से आएगा, काम करना पड़ेगा, है ना। नए नए आविष्कार आ रहे हैं ना, वो हमें काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ना। कैप लगानी है तो उसको कहाँ से आएगी, ओके। जब कैप थी नहीं तो कपड़ा बांधा और चल दिए, और जब कपड़े नहीं थे तो सभी बिना कपड़ों के थे, है ना। वो ज़माना तो अब लौट के आएगा नहीं, शाका लाका हुल हुल वाला, है ना। गुफाओं में रहना, पेड़ों पे रहना, गुफाओं में रहना और पत्थरों से शिकार करना। फिर जब आया लोहे के औजार आ गए शिकार करने के लिए, तो लोहे के औजार बनाने वाला लोहार था, उससे औजार खरीदना था तो उसके लिए पैसा चाहिए था। अब कहाँ से लाए वो पैसा, तो ठीक है भाई तू हमें भाला दे दे और हम तुझे शिकार मार के ला के दे देंगे। वही तो था ना वस्तु विनिमय, तू हमें हथियार दे हम तुझे क्या दे देंगे। चलिए खैर इसकी बात हम अर्थशास्त्र में करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर हमारा जो मुख्य मकसद है वो रह जाएगा। तो इसको जानने के लिए आप हमारी हिस्ट्री की वीडियो देखिएगा, हमने पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल सबको पढ़ा रखा है। चले आगे, तो इसको थोड़ा उठा ले भाई, चलो ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक हो रहा है, थक गया बोलते बोलते। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इस पद का जिक्र संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। बार बार कह रहा हूँ इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। यूपीएससी मेंस में, स्टेट पीसीएस मेंस में अलग से क्वेश्चन आया, पिछला उत्तराखंड पीसीएस मेंस में भी सवाल ही आया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में क्या क्या उपाय किए हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक इसके कार्य शक्तियों अधिकारों के बारे में स्पष्ट उल्लेख है। आर्टिकल 148 में इस पद का जिक्र है, संविधान में लिखा गया है कि इस पद पर जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ये अपना अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो सब लिख रखा है मैंने इसमें, मैं थक गया हूँ बोलते बोलते खड़े होकर के, इसलिए सारा बोल देता हूँ, आप लोग इसमें देखेंगे सब इसमें। तो इस पद पर नियुक्ति कौन करेंगे, कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और कैग इस्तीफा किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। एक शब्द आता है प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, देखिए अब नई बात आ गई यहाँ पर, है ना, प्लेजर का प्रिंसिपल या प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। देखो प्राइवेट नौकरी होती है ना, प्राइवेट नौकरी तो वैसे वैसे धीरे धीरे एम्प्लाई जो है कंपनी के लिए या जिसने उसको नौकरी दी है उसके लिए इतना ज़रूरी हो जाता है, उसको चाहकर भी नहीं हटा पाता, वो डिपेंड हो जाता है धीरे धीरे, है ना, ज़रूरी हो जाता। और लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो कंपनी जो है कर्मचारी से खुश नहीं है तो उसे कभी भी हटा सकती है, बिना नोटिस दिए हटा देती है, इसे कहते हैं प्राइवेट नौकरी। सरकारी नौकरी में भी हटाने की शक्ति है लेकिन उसके अपने कायदे कानून है, नोटिस दोगे ना, उसकी जांच करोगे, जांच सही पाया जाएगा तो आप उसे पनिशमेंट दोगे, पहले छोटा पनिशमेंट। नौकरी से हटा देना वो सबसे बड़ा पनिशमेंट माना जाता है, तो सबसे बड़ा पनिशमेंट आप तभी दोगे जब उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है ना। लेकिन सरकार प्राइवेट नौकरियों में आप कभी भी हटा सकते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ बहुत से पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति सरकार करती है और सरकार उन्हें कभी भी बिना कारण बताए हटा सकती है। जैसे एक सबसे बढ़िया इसका उदाहरण जो है किसका, राज्यपाल का। कहते हैं ना राज्यपाल जो है अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। तो आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे 5 साल से पहले भी उन्हें उसके पद से हटा सकते हैं, एक जगह से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसी तरह जैसे मान लो नीति आयोग के CEO हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो सरकार इन्हें कभी भी हटा सकती है इनके पद से। लेकिन कुछ पद हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा, जैसे आप मंत्री की बात करें जो केंद्र में या राज्य में मंत्री होते हैं, केंद्र में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसी तरह से राज्यपाल राज्य में किसी भी मंत्री को CM की सलाह से जब मर्जी हटा सकते हैं, प्रमोशन भी कर सकते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, ओके। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, चुनाव आयोग है, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक हैं, UPSC, स्टेट PCS के जो मेंबर हैं, यहाँ पर ये और भी बहुत सारी संस्थान हैं जहाँ पर ये प्रसाद पर्यंत का नियम लागू नहीं होता, यानी कि इन्हें आप अपनी मर्जी से बिना वजह या बेवजह नहीं हटा सकते। वही सेम कैग के लिए है, कैग पर प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसे अगर हटाएंगे तो आप वही साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग के द्वारा। अब महाभियोग, अब देखो महाभियोग का प्रोसेस किस में दिया हुआ है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, 61 में, है ना। अब वो महाभियोग को जो प्रोसेस है किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए ना, लिखा गया ना राष्ट्रपति को उसके पद से अनुच्छेद 61 में दिए गए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। अब जैसे हम सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को हटाने की बात कर के जजों को हटाने की बात करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजों को उसी तरह से हटाया जाएगा जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। कैग के लिए क्या लिखा गया, कैग के लिए लिखा गया है कि कैग को हटाने के लिए वही प्रोसेस फॉलो होगा जिस प्रोसेस से आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाते हैं।
महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया कि जिस तरीके से आप उन्हें हटाते हैं अर्थात महाभियोग के द्वारा ही, ध्यान रखना इसे भी महाभियोग के द्वारा ही आप हटाते हैं। अगर आप लोगों ने महाभियोग मेरी क्लास में नहीं पढ़ा है तो आई बटन में जाइए, मैंने एक 41 मिनट की वीडियो है राष्ट्रपति पर महाभियोग वैराग्य प्रक्रिया, मैंने उसे पढ़ाई बड़े अच्छे से, उसको आप देखना क्या विशेष बहुमत होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब बताया मैंने, ठीक है। अर्थात जो कैग है उसे जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। ओके आगे चलें, हाँ वो फ्लो में रह जाता ना। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेंगे, आपका फ़ोन आ रहा है घर से, अच्छा राष्ट्रपति को कैग को नियुक्त कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ओके और उनका जो तय कार्यकाल है उससे पहले उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जाएगा, हटाना है तो महाभियोग लगाना पड़ेगा। महाभियोग का आधार क्या है, सावित कदाचार और अक्षमता। ओके अक्षमता माने शारीरिक अक्षमता। ओके अब कैग का कार्यकाल निश्चित है 5 साल और अधिकतम कितनी आयु है 5-65, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा कैग के कार्यकाल में 6-65, मैं अक्सर इसको भूल जाता हूँ कि कैग जो है अपने पद पर उसका जो कार्यकाल है नियुक्ति से 6 साल का है, लेकिन इससे पहले अगर वो 65 ईयर का हो जाता है, 65 साल का हो जाता है तो वो अपने आप रिटायर हो जाएगा। तो 6 साल या 65 साल जो भी इसमें से पहले ख़त्म हो जाए वो पूरा हो जाएगा। कैग का कार्यकाल अगर उससे कोई पूछे तो क्या कहेंगे, 6 साल का। रिटायरमेंट की उम्र कोई पूछे आप उससे तो क्या कहेंगे, 65, है ना। आज कैग बना 63 साल उसकी उम्र थी, 2 साल बाद भी हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो 65 साल का हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा। इतने समझदार तो तुम लोग हो ही, है ना। अच्छा इस पद पर नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है, है ना। जैसे कहते थे ना भाई जो राष्ट्रपति हो उसकी योग्यता में कहते ना वो किसका सदस्य बनने का योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो, है ना, कह देते ना। लेकिन यहाँ पर कैग के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं, अर्थात कल को तुम्हें भी कैग बनाया जा सकता है, लेकिन काम कैसे करोगे। अब यही इसी भी चीज़ में मुझे ध्यान आ गया, इब्न बतूता आया इल्तुतमिश के दरबार में, किसके दरबार में आया था, MBT के, है ना, हाँ इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, MBT उससे बहुत ही जो है कि प्रभावित हुआ। MBT ने उसे ऑफर दिया दिल्ली शहर का काजी बनने का, उसने मना कर दिया, बोले यायावर था वो, तो घुपक्कड़ था, खाना बदोश था वो, तो दुनिया को घूमने निकला था, कभी मिल गई तो खाली, नहीं मिली तो नहीं खाली। लेकिन MBT ने उसका बहुत सम्मान किया, ना भाई दिल्ली शहर के काजी बन जाओ, बोले मुझे तो इस काम को कोई जानकारी है नहीं और ना मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी उसने उसे सम्मान दिया कि नहीं आप बन जाओ और आपकी सहायता के लिए हम दूसरे अधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर देंगे। तो दिल्ली शहर का काजी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, कुछ कहना है आप, अच्छा जाना तो नहीं जाना है, अच्छा तो अभी तो बहुत कम टाइम है, ज़रूरी काम है कोई, एक बार पास कर दीजिए। अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखा रखी हैं, इस्तीफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, अच्छा कैग जो है अपने पद की शपथ भी लेता है, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं, पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ मैंने लिखाया है SC जज की तरह शपथ, ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसमें जैसे ये हो जाएगा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह शपथ तो नहीं ले रहे, ना सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह तो इन्हें हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, शपथ का मतलब ये है कि इन्हें शपथ भी ले, राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। दोनों का ऑडिट, इसका मतलब क्या है, दोनों का ऑडिट का मतलब, ऑडिट का मतलब क्या बताया था मैंने, हिसाब किताब की जाँच अंकेक्षण, तो ये केंद्र सरकार का ऑडिट भी करते हैं और राज्य सरकार का ऑडिट भी करते हैं, दोनों का ऑडिट करते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बता चुका पहले कैग कौन थे, सबसे पहले ऑडिटर जनरल का पद किसने बताया, अब मैंने यहाँ सेवानिवृत्ति उपरांत उसके बाद फिर ये ऐसे करके क्रॉस का साइन लगा दिया, इसका मतलब क्या है कोई बताएंगे, इसका मतलब ये है कि जब कैग अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, कैग जब अपने पद से रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें सरकार में कोई पद नहीं दिया जाएगा, सरकार में कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, लेकिन साहब इनके इलेक्शन लड़ने पर रोक नहीं है, और कुछ संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर इनको जैसे किसी जांच कमेटी का सदस्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन आम तौर पर ये रिवाज रहा है कि इन्हें अब कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। क्यों ऐसा किया गया होगा, ताकि पद पर रहते हुए इनके मन में कोई लालच ना आए कि मैं ऐसा काम कर दूं तो भविष्य में मुझे सरकार से ये बेनिफिट हो जाए या कि कोई नई नौकरी मिल जाए, इसलिए लिखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें सरकार में कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, इसमें यहाँ पर, ठीक है ना। UPSC और PSC वालों के लिए भी ऐसा कुछ है, वो क्या है मैं जब UPSC वाला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, संघ लोक सेवा वाला। अच्छा 1976 का जो ईयर है इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, कि भाई 1976 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के दायित्वों में क्या बदलाव हुआ। देखिए 1976 तक
कैग की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो लेन देन थे, यानी आप देखो बैंक की पासबुक आती है ना आपके पास, बैंक की जो पासबुक आती है तो उसमें क्या रहता है, सारा दर्ज रहता है, कितना पैसा जमा हुआ और कितना पैसा खर्च हुआ सब लिखा रहेगा, चेक से निकाला, कैश निकाला, किसने निकाला, कब निकाला, किस समय निकाला, कितना ब्याज आया, कितना एटीएम फीस चली गई, कितनी चेकबुक की फ़ीस चली गई, कितनी पासबुक की फ़ीस, सारा रहता ना। तो आप लोग देखते हो ना उसको, अक्सर चेक करते हैं हम लोग कि भाई देखो हमारा पैसा जो है कहीं ज़्यादा तो नहीं कट गया, देखते हैं ना, ज़्यादा कट गया तो बैंक में लड़ने चले जाएंगे, और धोखे से ज़्यादा आ गया तो अरे छुपा लो इसको, है ना, यही तो है मानवीय स्वभाव तो है ये, है ना, है ना। तो भाई वही तो है हिसाब किताब की जांच, आप अपनी पासबुक, वो जो आपकी पासबुक है वो बैंक वालों ने खुद तैयार करके दी है, अब तो सॉफ्टवेयर आ गए, पहले रजिस्टर हुआ करते थे, है ना, हाथ से चढ़ती थी पासबुक, अब तो सब आईटी का ज़माना है, तो वही हिसाब किताब तो है। घर में आप बहुत सारे खर्च कर रहे हो, तेल घी नमक पे कितना खर्च हुआ, सब्जी दूध चीनी पत्ती पे कितना खर्च हुआ, बाद में मम्मी आपसे हिसाब ले रही है, तो वही तो हिसाब किताब है। अब वहाँ पर मम्मी आपकी ऑडिटर है, वहाँ पासबुक में आप खुद अपने ऑडिटर हो, है ना, सरकारी विभाग हैं तो जगह जगह ऑडिटर आते हैं, वो आते हैं आपके हिसाब किताब की जाँच करने, वो सभी उस संस्थान के सदस्य हैं। तो कैब 1976 तक कैब की जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के हिसाब किताब का अकाउंट भी बनाना, बही खाता या लेजर भी बनाना, ठीक है, और उसके बाद में उसकी जांच भी करनी है। फिर बाद में ये आया भाई कैब पर काम का बोझ बहुत हो गया, हिसाब किताब बनाना भी और उसकी जांच भी करना, काम का बोझ बहुत हो गया, इससे उसे काम करने में दिक्कत हो रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ उसने कही भाई जो हिसाब किताब रख रहा है पास में वही उसी हिसाब किताब की जाँच कर रहा है, ये तो गलत बात है। तो हमारे यहाँ जो हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग था, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, दो बार बना है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहला 1966 में, दूसरा 2006 में। 2006 वाला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, जिसे हम कहते हैं दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे, आपने से कोई बताएगा, कोई भी साउथ इंडिया के थे, बिरप्पा मोइली। पहले के अध्यक्ष थे, सबसे पहले मोरारजी देसाई को अध्यक्ष बनाया गया था 1966 में, बाद में जब वो केंद्र में मंत्री बन गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना, दूसरे प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष थे बिरप्पा मोइली, खैर चलिए वो तो अलग बात है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने, भारत के पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश करी कि भाई ये जो ऑडिटर का काम है या कैग का जो काम है ना, लेखांकन का मतलब लेजर बनाना, हिसाब किताब रखना, और अंकेक्षण माने उस हिसाब किताब की जाँच करना, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम है, इनको अलग अलग कर दो, लेखांकन का काम किसी और को दे दो और अंकेक्षण का काम किसी और को दे दो। तो हिसाब किताब बनाने के लिए या लेखांकन के लिए अलग पद बना, जिसे नाम दिया गया महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल, और अंकेक्षण का काम हो गया केवल ऑडिट करना। लेकिन यहाँ पर भी झोल है, झोल यह है कि 1976 में लेखांकन को लेखा अंकेक्षण से अलग तो कर दिया, लेखा बनाने को यानी कि अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग तो कर दिया, लेकिन अभी भी राज्य सरकारों के जो लेखे तैयार करने हैं, राज्य सरकारों के जो लेखांकन का काम है, वो अभी भी कैग का ही है। तो केंद्र में ये काम अलग हो गया है, लेकिन राज्य सरकार में अभी भी उसकी दोहरी जिम्मेदारी है। और ये कब से शुरू हुआ, 1976 से, किसकी सिफारिश पर, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर, ठीक है ना। इस समय कैग कौन है, श्री गिरीशचंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 151 कह रहा है कैग अपनी रिपोर्ट देगा, कैग अपनी रिपोर्ट किसे देगा, आर्टिकल 151 कह रहा है कि कैग अपनी रिपोर्ट देगा, कैग अपनी रिपोर्ट किसे देगा, देखो केंद्र के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देगा, और राज्यों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट देगा राज्यपाल को। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल का जिम्मा है कि राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखवाएंगे संसद में, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को रखवाएंगे विधानमंडल में। अच्छा, मजे की बात यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल कितने दिन के भीतर इस रिपोर्ट को रखवाएंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो अक्सर आलोचना होती रहती है सरकारों की कि भाई अभी तक कैग के ऑडिट की रिपोर्ट रखवाई नहीं गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है शून्य बजट, और मैंने लिखा यूएसए, जीरो बजट या शून्य बजट, इसका मतलब क्या है, जीरो बजट या शून्य बजट, इसका मतलब क्या है भाई, हैं कोई बताएंगे, बजट को शून्य शुरू करना, ओके वेरी गुड, और कोई, हाँ देखो अभी तक हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ जो बजट चलता है, जैसे मान लीजिए रक्षा विभाग है, रक्षा मंत्रालय, उसको 1,00,000 करोड़ का बजट दिया गया, 1,00,000 करोड़ का बजट दिया गया, ठीक है। अब रक्षा मंत्रालय में ही सपोज मान लीजिए सिंचाई मंत्रालय है या पेयजल मंत्रालय है, ठीक है, सिंचाई मंत्रालय है या पेयजल मंत्रालय है, उसने कहा कि पहाड़ों में जो पानी है, पहाड़ों में जो पानी है नदियों से अपलिफ्ट करके पहुँचाया जाएगा, वो इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे एक साल में,
ठीक है साहब, दे दिया आपको। अब वो काम पूरा हुआ नहीं है, अभी अगले साल फिर आपने बजट मांगा, फिर दे दिया पैसा। अभी पूरा नहीं हुआ, अगले साल आपने उस काम के लिए फिर बजट मांगा, फिर पैसा दे दिया। हर बार आप उसका बजट जो है वो बढ़ाया जा रहा है, काम पूरा हुआ नहीं है। सरकार को पता ही नहीं है कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर काम पूरा हो गया तो उसका आउटपुट क्या मिला आपको, उसका फ़ायदा क्या मिला आपको। तो अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट आया ज़ीरो बजटिंग। ज़ीरो बजटिंग का मतलब ये है कि नए सिरे से शुरुआत करना। इसका कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये है कि जिस काम के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस डिपार्टमेंट को बजट दिया गया है, अब उसे अगले साल उसी काम के लिए बजट तब दिया जाएगा जब वो अपने प्रोजेक्ट की अहमियत सिद्ध कर दे। समझ रहे हैं ना कि भाई हमने इस काम के लिए पैसा लिया था, अब इस काम से हमने ये फ़ायदा पहुंचाया जनता को, इस काम से हमने ये अचीवमेंट पाया। अगर सरकार को लगता है, संसद को लगता है कि ये काम सही है, सही दिशा में चल रहा है, तो उसे और बजट दे दिया जाएगा। और अगर लगे कि नहीं है, तो फिजूल खर्ची हो रही है, तो उस योजना को ख़त्म कर दिया जाएगा, उस पर आगे बजट नहीं दिया जाएगा। समझ रहे ना। तो अब किसकी जिम्मेदारी है नए सिरे से उसको साबित करने की? डिपार्टमेंट की, जिसको बजट दिया गया था। कौन जांचेगा? संसद जांचेगी। तो इसको कहते हैं बेटा ज़ीरो बजटिंग या शून्य आधारित बजट, है ना। ये नहीं है कि इस साल इतना काम कर रहे हैं तो अगले साल इतना पैसा दे नहीं है ना। अगर तुम काम को वाजिब ठहराओगे तो पैसा देंगे, नहीं तो छुट्टी करो, ज़ीरो से गुणा करो और कोई नया प्रोजेक्ट ले आओ, ठीक है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस बजट या निष्पादन बजट। निष्पादन या परफॉर्मेंस का मतलब यह है, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, मैं कैसे चेक करूँगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया खराब पढ़ाया? मैं आपका समय समय पर टेस्ट लूँगा, है ना, समय पर टेस्ट लूँगा, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछूँगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछूँगा। अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं तो मुझे लगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे तो मैं समझूँगा कहीं का कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो अब सरकार ने या संसद ने आपको बजट दे दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, मंत्रालयों को बजट दे दिया। अब अगली बार जब आपको बजट सैंक्शन किया जाएगा या उस काम के लिए पैसा दिया जाएगा, भाई क्या है, जैसे पीएम श्री स्कूल खुल गए, पीएम श्री स्कूल खुल गए। अब पीएम श्री स्कूल्स के लिए शिक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त बजट दिया गया, अगले साल फिर मांगेगा। तो अब क्या है, वो सर्वे चल रहा है, इस साल सर्वे चल रहा है कि भाई शिक्षा की गुणवत्ता में कहाँ तक सुधार हुआ है। अब सर्वे होगा, उसमें बता भाई शिक्षा की गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये भाई ये प्रोजेक्ट जो है ढंग से काम नहीं कर रहा, कुछ नया सोचो, या हम ज़्यादा पैसा देंगे नहीं आपको, ये काम बेहतर हो नहीं रहा, कम पैसा देंगे आपको। तो यही मतलब है परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट को जो काम दिया गया है उसकी परफॉर्मेंस जांचना। कहने का मतलब ये है कि जो लागत हमने लगाई है उस पर हमें बेनिफिट कितना हुआ है, जो टोटल इनपुट हमने दिया है उससे आउटपुट क्या मिला। अगर वो बेहतर है तो काम बेहतर हो रहा, आपको बजट दिया जाएगा, अदरवाइज आपको बजट नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसकी आउटपुट को दिखाने की जिम्मेदारी उस मंत्रालय की नहीं है जिसको बजट दिया गया, उसमें वो ज़ीरो बजट में है। परफॉर्मेंस बजट में यह है कि सरकार के बहुत से संस्थान हैं जो उस पर नज़र रखते हैं, जैसे मनरेगा है, मनरेगा को बजट दिया जा रहा है, तो बहुत सारे संस्थान हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो देखेगा भाई कि ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार की दशा क्या हुई है, है ना, BPL की दशा क्या है। अगर ये सुधर रहा है तो इसका मतलब मनरेगा अच्छा काम कर रही है, इसे और बजट दो, नहीं तो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दो, समझ गए। तो परफॉर्मेंस बजट जो है सबसे पहले USA में शुरू हुआ था, और वो भी न्यूयॉर्क में। इतना नहीं पूछेगा, अगर आप लोक प्रशासन या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपने उसमें पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है कि भाई जो आपका परफॉर्मेंस बजट है सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो ये न्यूयॉर्क नगर निगम में शुरू हुआ, पीटर फियर ने इसकी सिफारिश की थी, लिख लो, आपसे ही पूछ सकता, पीटर फियर। जीरो बेस, मैं निष्पादन की कह गया क्या, निष्पादन बजट की कह गया क्या, जीरो बेस बजट की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, जीरो बेस, जो जीरो बेस बजटिंग है सबसे पहले न्यूयॉर्क में शुरू हुई और पीटर फियर ने इसकी सिफारिश की थी। ओके, आगे चले। अच्छा, निष्पादन बजट जो है ये भी सबसे पहले USA में लागू हुआ। भारत में ये कुछ मंत्रालयों में 1968 में लागू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट की तरह, सबसे पहले 1968 में ये भारत में लागू हुआ था, और इसकी जो सिफारिश की थी वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। सवाल सीधे आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहली बार निष्पादन बजट कब शुरू हुआ, तो 1968 में, 1986-87 में ये पूरे देश में लागू हो गया था, यानी सभी मंत्रालयों में लागू हो गया था, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर ये लागू हुआ था। अच्छा, एक शब्द आता आउटकम बजट, ये भी निष्पादन बजट की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब क्या है कि पैसा आपको किस्तों में दिया जाएगा। देखो, जैसे सरकार जो है ना, ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना में ना सरकार जो है गाँव वालों को ग्रांट देती है, मकान बनाने के लिए सरकार पैसा देती है,
तो वो एकदम से एक मुश्त पैसा नहीं दे देगी आपको 2 लाख। पहले एक किस्त आ गई, बुनियाद भरो भाई, एक किस्त आ गई बुनियाद भरो। अब वहाँ कर्मचारी चेक करने आएगा, बुनियाद भर गई है तो अगली किस्त आएगी। अब लिंटर तक पहुँचाओ, लिंटर तक पहुँच गया अब अगली किस्त आएगी लिंटर के लिए, लिंटर पड़ गया अब फाइनल किस्त आएगी। लेकिन अंतिम पैसा पता तो कब आएगा, जब वहाँ पर हैंडपम्प और शौचालय बन जाएगा। फाइनल किस्त उसकी तब जारी होगी जब वहाँ पर टॉयलेट बन जाएगा, टॉयलेट भी बन जाए और हैंडपम्प भी लग जाए, तो उसकी फाइनल किस्त या फाइनल इंस्टॉलमेंट जारी होगी। तो किस्तों में आता सारा पैसा, क्यों आ रहा सारा पैसा किस्तों में, वो इसलिए आ रहा है कि अगर एक मुश्त पैसा दे दें तो बर्बाद ना हो जाए, फिर रिकवरी करते रहो। गरीब आदमी था ही, सरकार से कर्ज लेकर के वो, सरकार से ग्रांट लेकर के वो मकान बना रहा, अब सरकार उसे जेल में तो डालेगी नहीं, गरीब आदमी है। तो सरकार क्या करती है, उसको पैसा धीरे धीरे दो। अगर एक काम पूरा हो गया है, एक किस्त पूरी हो गई, तो अगली किस्त जारी होगी, अदरवाइज किस्त जारी नहीं होगी। यही था आउटकम बजट, दो दो महीने के लिए पैसा जारी होगा। बजट तो आपका बजट तो है, इतना बजट है आपका, लेकिन सारा पैसा हम आपको एक मुश्त नहीं देंगे। 2 महीने के लिए इतना पैसा है, अगर आपने ये काम 2 महीने में कर दिया तो अगली किस्त जारी होगी, अदरवाइज जारी नहीं होगी। और ऐसे ही होता है, तब पहले ये काम करो, अदरवाइज दूसरा पैसा देंगे हम, नहीं देंगे नहीं। प्राइमरी स्कूलों में ऐसे होता है, बच्चों के यूनिफॉर्म के पैसे अगर बांट दिए तो शूज़ के पैसे आएंगे, बैग के पैसे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और अगर तुमने नहीं बांटे तो तुमसे जवाब तलब किया जाएगा, सैलरी रोको, सस्पेंड करो, ये करो वो करो, है ना, रिकवरी तक हो जाती है। हाँ, है ना, ओके। तो ये है आउटकम बजट, यानी कि किस्तों में पैसा देना, और एक काम अगर आपने पूरा कर लिया तो उसकी जाँच होगी, अगर ढंग से आपने काम किया तो अगली किस्त जारी होगी, नहीं तो टहलो। समझ रहे हो टहलने का मतलब, निलबटे सन्नाटा, जानते हो ना। हाँ, ये हुआ आउटकम बजट। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में पहली बार आउटकम बजट, ये वर्ष 2005-06 के लिए जारी हुआ था, 25 अगस्त सन 2005 को पहली बार पेश हुआ था आउटकम बजट। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है जेंडर बजट या लिंग आधारित बजट, कुछ अलग नहीं है इसमें। आपसे पूछेगा भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया, 2011 में, और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर के लिए पहली बार 2011 में जेंडर बजट पेश हुआ। और हमारे यहाँ जेंडर आधारित बजट ही पेश होता है। जेंडर बजट का मतलब ये है कि जो कुछ भी पैसा दिया जा रहा है, ये दिखाना आंकड़ों में, ये दिखाना कि जो कुछ भी पैसा जितने ही मंत्रालयों को दिया जा रहा है वो महिला कल्याण पर कितना खर्च हो रहा है, या उसमें से कितना पैसा ऐसा है जिसने महिलाओं का फ़ायदा किया। जैसे भाई स्वास्थ्य विभाग को आपने पैसा दिया है ना, स्वास्थ्य विभाग को आपने पैसा दिया, तो अब जेंडर बजट का मतलब ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को जो आपने पैसा दिया, इतना आशा और आंगनबाड़ी पर, इतना जननी सुरक्षा योजना पर, इतना मातृत्व लाभ पर, समझ रहे ना, महिलाओं के लिए इतना पैसा दे दिया आपने। अब अगली बार जब बजट पेश करेगा तो आंकड़े ही बताएगा कि भाई शिशु जो मातृ मृत्यु दर है इतनी घट गई, बालिका शिशु मृत्यु दर इतनी घट गई, है ना, बालिकाओं में जो कुपोषण था इतना घट गया, समझ रहे ना। शिक्षा विभाग को दिया तो ये बताओ आपने कितनी महिलाओं को ग्रेजुएशन दे दिया। रोजगार विभाग को आपने बजट दिया तो बताए महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए इतना पैसा है, हैं, और इतनी महिलाओं को रोजगार इससे मिल गया। तो ये से कहते हैं जेंडर बेस्ड बजट, अलग से कुछ नहीं है, उन आंकड़ों को अलग अलग दिखाना है ताकि सरकार को ये लगे कि भाई महिला सशक्तिकरण का जमाना है ना, कि एक्चुअली बजट तो दे दिया लेकिन महिलाओं के लिए इसमें कितना खर्च हुआ, आधा आधे हैं तो भाई, आधे पुरुष आधे महिलाएँ हैं, है ना, ओके। लेकिन फिर भी पुरुष थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़ी सी सामाजिक सच्चाई है लेकिन कड़वी है। आमतौर पर आजकल क्या हो रहा है ना, पहली पुत्र संतान हो गई तो दूसरी संतान चाहिए नहीं, कहीं बेटी ना हो जाए। पहली संतान पुत्री है तो दूसरी संतान जरूर चाहिए, बेटा चाहिए, चाहे वो बड़ा होकर के जुआरी शराबी कबाबी हो जाए लेकिन वंश चलाएगा, बेटा जरूर चाहिए। 2 बेटे हो गए तो अब तो बस बहुत हो गया, अभी कहीं बेटी पैदा ना हो जाए। तो इसलिए अभी भी जो हमारा जो लिंगानुपात है ना, महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, अभी कुदरत तो फ्री है ना, बेटी या बेटा कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग रोक रहे हैं ना, पहला अगर बेटा हो गया तो अब दूसरा बच्चा हमें नहीं चाहिए। एक तो 2 बच्चे नहीं पाल सकती मम्मी, और दूसरी अगर कहीं बेटी हो गई तो, अब बेटियाँ ना होंगी तो फिर बच्चे कहाँ से लाओगे। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच्चा है, ठीक है, ओके। तो ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं, पॉलिटी की 17वीं क्लास थी, 4 पार्ट में मैं इसको बना चुका हूँ, ठीक है, और अब पॉलिटी की 18वीं क्लास में बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा जाग जाओ, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, स्क्रीन शॉट लेने दो।